नसलाल को मेरा नाम है अदनान खान और आप देख रहे हैं अदनान के व्लॉग्स। आप सभी का वेलकम है अदनान के व्लॉग्स में। तो आज हम रिव्यू देने वाले हैं मिनी ट्राइपॉड का। इसे हम व्लॉगिंग ट्राइपॉड भी बोलते हैं, जो व्लॉगिंग के लिए जो स्टैंड यूज़ करते हैं हम वो यूज़ करेंगे। तो यस, मैंने अमेज़ॉन से मंगा लिया है एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत ही रीजनेबल रेट में है। और ये चलो हम लोग इसका रिव्यू करते हैं। तो हम लोग जब अमेज़ॉन के पैकेट को उसको खोलते तो हमने ऐसा एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स में बहुत ही मतलब फीचर्स इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले बॉक्स पे लिखा है मिनी मल्टी फंक्शन ट्राइपॉड द बेस्ट यू कैन गेट। फिर इसमें से वैराइटीज़ दी हुई हैं, यहाँ पर है एक्सटेंशन है, एंगल एडजस्टेबल है, एक्सटेंशन जो हम लोग अभी इसको बड़ा कर देंगे या फिर छोटा कर देंगे। देन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एंगल एडजस्टेबल, जो यहाँ पर जो एंगल रहेगा मूवेबल रहेगा, हम जब निकालेंगे तो आपको क्लियरली समझ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा था। फिर यहाँ पर दिया है कनेक्टर, एक हमें उसमें स्क्रू के टाइप का दिया रहेगा, हमें वो करना रहेगा। देन यहाँ पर दिया है कीप द बैलेंस, जो इसका बैलेंस है उसके बारे में दिया है। वैसे तो दिया है लेकिन हम लोग फिर भी चेक करेंगे कैसा क्या है। और जो 360 रोटेटेड है, 360 रोटेबल है। और यस, यहाँ ये बोल रहा है कि लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, फ्लेक्सिबल है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है एंड चेंजेबल भी है, मतलब चेंज कर सकते हैं इसे। देन यहाँ पर हमारे को दे दिया है दो, जो हमारे होल्डर है उसमें दो स्क्रू का, एक दिया है एक हम लोग रील्स वगैरह जो बनाते हैं उस काम पे, या फिर हम लोग जो ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं उस काम पे। तो यस, यहाँ पर यूनिवर्सल डबल स्क्रू फोन होल्डर है। फिर यहाँ पर दिया है हैंड टू कैरी अराउंड, हम लोग इजीली हैंड में पकड़ सकते हैं, यू नो कहीं भी हम ले जा सकते हैं। फिर यहाँ पर है डेस्कटॉप, हम लोग इसको रख के स्टैंड कर सकते हैं व्लॉग की तरह जैसे मैंने कहा, या फिर हम अब चलिए देखते हैं इसके अंदर कैसे क्या है। हम लोग इसके अंदर भी देख लेते हैं। तो यस, अभी यहाँ पर एक मिलता है हमें स्टैंड, और बेसिकली हमें यहाँ पर दो चीज़ें मिल जाती हैं, एक तो ये अपना होल्डर और एक ये हमारा स्टैंड। अभी हम अपने स्टैंड को दिखाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये भी है एकदम कंफर्टेबल है, ज़रा भी स्लाइड नहीं हो रहा है। अभी मैं इसमें फ़ोन रख के भी बता दूंगा आप लोगों को। फिर यस, यहाँ पर हमें 6 नंबर्स दिए हैं, 6 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 तक हमें कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल 6 पे कर रहा हूँ पूरा फुल। और अभी से ये क्यों दिया है, हमें इसमें थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा हाइट चाहिए, इसमें ज़्यादा हाइट चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं। हम इसमें रील्स वगैरह आराम से बना सकते हैं, या फिर कोई हाई पोजीशन पर रख के वहाँ से हम लोग इसे शूट कर सकते हैं जैसे हमें कुछ काम करना है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको मीट पे रख दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 3 पे रख दिया है, 3 पे, तीनों को 3-3 पे मैं रख दूँगा। ये देखिए, तो यहाँ पर ये अभी थोड़ा छोटा होगा, ये अपने आप ऊपर है, हम लोग जितना इसको एडजस्टेबल रखते हैं, हमें जो से स्टेप पीछे यहाँ पर हमें वो प्रोवाइड दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको कम पे रख रहा हूँ, आप लोगों को विजिबल हो क्लियरली। तो अब हम लोग आते हैं इसके रोटेशनल, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है एंगल एडजस्टेबल। एंगल एडजस्टेबल मीन्स यहाँ पर हम इतना पूरा एंगल हमें यहाँ पर मिल रहा है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ चाहिए, यहाँ से यहाँ चाहिए, देखो पूरा रोटेट, पूरा क्लियरली हमें यहाँ पर रोटेट होता हुआ ये दिख आ रहा है। अभी यहाँ पर ये है। फिर यहाँ पर चीज़ हम लोग को दिया हुआ है 1/4 कनेक्टर। कनेक्टर जो है यहाँ पर इसी जो फोन होल्डर है, अभी मैं भी उसको आपको बता दूंगा। यहाँ पर स्क्रू है और यहाँ पर स्क्रू, दो हमें कनेक्ट वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें वो कर सकते हैं। अभी तीसरा नंबर है, चौथा कीप द बैलेंस। यस, मैंने जैसे पहले ही कहा इसका बैलेंस अमेजिंग है, सुपर बैलेंस है। मुझे सबसे क्वालिटी यही बेस्ट लगी कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, अगर हमने इसको कहीं पर रख भी देते तो भी ये मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड द फोर्थ लास्ट इज 360 रोटेट, हाउ इट इज़ आई विल शो यू। यहाँ पर जो है ये रेड है, अभी हम लोग इसको घुमाए, जैसे हमने रख दिया फ़ोन, हमें ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा, मतलब हम एडजस्टेबल है। मैं फ़ोन लगा के आपको दिखा दूंगा। और अगर इसकी बात किया जाए इसके कलर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिया है, डिसेंट दिया है। द ब्लैक दिस पूरा बॉडी है और यहाँ पर रेड है और यहाँ पर रेड है, ये फीचर्स कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट है। इसका जो बेसिक कलर है ब्लैक है, और ये इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, हमें इसमें इजीली पकड़ पा रहे हैं। व्लॉगिंग वगैरह हुआ तो ज़्यादा यू नो हाथ में चिमटे ना पड़ जाए, या फिर हाथ में ज़्यादा क्रम जैसे कुछ ना जाए, एकदम पकड़ रहे तो बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ में आ रहा है। तो यस, हमें अगर हमें स्टैंड भी करना है तो हम इसे स्टैंड भी कर सकते हैं।
और हमारा जो एक और चीज़ दिया है वो है ये क्या है, ये स्क्रू है। अभी हम इसे ढीला कर दे रहे हैं और ये तो कभी ढीला होगा तो ही इसमें रिट्यूस है। अभी जैसे कि मुझे ये वाले डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पर रख के मैं इसे एकदम टाइट कर देता हूँ। ये इसमें मैंने टाइट कर दिया तो ये हिल नहीं रहा, मतलब अगर हमने फ़ोन डाल दिया और स्क्रू ढीला है तो वो इधर उधर होगा, लेकिन ये स्क्रू इसलिए दिया है हमें यहाँ पर फ़ोन लगा कर इसको टाइट कर देंगे तो ये ज़रा भी हिलेगा नहीं, जैसे हमें ये रोटेट वाला जो है ये हो। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें फ़ोन होल्डर, फ़ोन होल्डर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर दो स्क्रू का दिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इसका जो ये मटेरियल जहाँ हमारा फ़ोन होल्ड होगा यहाँ पर एक सॉफ्ट मटेरियल दिया है ताकि हमारा जो कवर है ये है वो है उसमें स्क्रैचेस ना आए, सो यहाँ पर एक सॉफ्ट मटेरियल कुछ दिया हुआ है। फिर यहाँ पर है हार्डर थोड़ा है, इसे हम ऐसे पुल कर सकते हैं जहाँ तक थोड़ा इसका पुलनेस भी, इसकी जो ये वाली है ये भी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे यहाँ पर। तो यस यहाँ पर अभी मैं इसको ज्वाइन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं इसको कैसे है तो बस इस और कुछ नहीं करना, बस इसमें हमें डाल के ऐसे इसको रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद टाइटली हम लोग को रोटेट कर देना है जहाँ तक का होगा, फिर अब हम इसको ऐसे करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस अभी ये देखिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी मुझे कुछ जैसे कि ऊपर नीचे चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके और इसको यहाँ पर, अगर मुझे ऐसे में चाहिए मैं यहाँ पर रोटेट कर दे रहा हूँ। ये ही बहुत क्वालिटीज़, ये भी बहुत बेस्ट मुझे लग रही है इसमें। फिर अभी हम लोग को और ऊपर चाहिए तो मैं इसको ढीला कर दूँगा थोड़ा, फिर मैं ऊपर कर दूँगा मैं या फिर इस साइड कर दूँगा, अभी मुझे वहाँ से नहीं दिख रहा है, फिर यहाँ से कर दूँगा तो ये इसके लिए प्रॉफिटेबल है। इसको यहाँ पर लगा के देता हूँ। सिंपली हमें क्या करना है, वैसे इस पर डाल के और हमें ऐसे रोटेट कर देना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो टाइट हो जाएगा। तो बस हमें ऐसे रोटेट कर देना है, ये देखिए रोटेट करने के बाद हम इसको ऊपर चाहिए नीचे चाहिए जैसा भी। अभी मैंने यहाँ पर स्क्रू थोड़ा ढीला रखा हुआ है तो ये थोड़ा मूवेबल है तो ये भी ग्रिप है। अभी अगर मुझे थोड़ा और लॉन्ग करना है तो मैं इसको पूरा फुल पे कर दूँगा और ये बड़ा होगा। यस अभी हम मुझे और थोड़ा सा डायरेक्शन इसका चेंज चाहिए जैसे कि, तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन डाल के इसका मैं अभी फीचर्स बता देता हूँ। अभी हम लोग इसमें लगा देंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको होल्ड कर देता हूँ। सिंपली हमें बस इसे स्क्रोल करना है, स्क्रोल करने के बाद हम इसमें ये अटैच कर देते हैं। ये देखिए फ़ोन हम लोग ने इसमें अटैच कर दिया है, फिर भी ये ना गिर रहा है ना कुछ हो रहा है, इसकी बहुत ही अच्छी ग्रैप की कैपेसिटी आप देख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे भी रखा है फिर भी ये नहीं गिर रहा है। अभी मैं इसको बड़ा करके करता हूँ, मुझे अगर बड़ा चाहिए तो मैं बड़ा भी कर देता हूँ, फिर भी देखिए आप देख सकते हैं इसमें हिल भी नहीं रहा है, ये एकदम ग्रैप है, बहुत अच्छा ही है, ज़रा भी मूवेबल नहीं है। या फिर हम लोग इसको रख दे तो ये फिसल के या फिर गिर जाए, कोई कोई आता है स्टैंड जैसे और भी सस्ते आते तो वो ऐसे गिर जाता है, लेकिन हमारा जो ये वाला है वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, एकदम जहाँ हम लोग को चाहिए वैसा हो जा रहा है। अभी मुझे रील्स वगैरह बनाना है, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको स्क्रू को ढीला कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा नीचे चले जाए। यस ये देखिए ये नीचे चला गया, अभी मैं यहाँ पर इसको टाइट कर देता हूँ। यस अभी मैं इसको खिड़की पे या फिर कहीं मुझे जहाँ पर लोकेशन चाहिए बाहर ऐसा मुझे कुछ दिख गया तो मैं इसको ऐसे रख के यहाँ पर मैं इसको ऐसे रील भी शूट कर सकता हूँ। एंड अगर ये तो अभी रील के जैसे हो गया है, अभी हम जो व्लॉगिंग के लिए चाहिए तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल में करेंगे। ये जो मैंने रोटेशनल बोला था रेड कलर का था जो रोटेट होता है पूरा राउंड, तो उसी से हम लोग बस इसको सिंपली ऐसा रोटेट कर देंगे और रोटेट करके जो मोशन में अपने को चाहिए हम लोग ऐसा डाल देंगे। ये देखिए फिर व्लॉगिंग का सेटअप हो गया। अभी मुझे यहाँ पर इसको ऊपर करना है या फिर मुझे कुछ ऊपर का डायरेक्शन लेना है, इसको मैं नीचे रख के कुछ मैं पोजेस ले रहा हूँ या फिर मुझे कुछ फ़ोटोज़ के लिए मैं टाइम लगा के फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, व्लॉगिंग के लिए मैं टाइम लगा के इसको मैं ऐसे व्लॉग कर सकता हूँ। एंड यस मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, इसका ग्रैप बहुत है, हमें इसको पूरा रोटेट हो रहा है आप देख सकते हैं एकदम सिंपलिटी। और अगर मैं फ़ोन लगा के कर रहा हूँ तो ये मतलब कैमरा भी होल्ड कर लेगा मुझे लग रहा है। यस कैमरा भी होल्ड कर लेगा क्योंकि ये फ़ोन थोड़ा सा हैवी बट ये पूरा इतने अच्छे तरीके से कर ले रहा है। अगर जो महंगा वाला जो एकदम बहुत भारी वेट का कैमरा आता है वो तो नहीं होल्ड कर पाएगा, बट यस कुछ जो छोटे वाले कैमराज आते हैं वो ईजीली यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आप देख सकते अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मुझे थोड़ा छोटा चाहिए, तो भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर
स्टैंड हो गया है। और मुझे अगर व्लॉगिंग के लिए चाहिए तो यस, व्लॉगिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है ऐसा ग्रिप। इसका ग्रिप आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ना कुछ हाथ में स्ट्रेचेज आ रहे हैं, ना क्रम्स आ रहे हैं, बस हम लोग ऐसे पकड़ लेना है और शुरू हो जाना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मुझे अगर हॉरिजॉन्टल में ऐसा कुछ रील्स वगैरह टाइप कुछ शूट करना है तो ये भी हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं। अभी मुझे अगर व्लॉगिंग के लिए चाहिए, आई विल रोटेट दिस और यहाँ पर ऐसा व्लॉगिंग के लिए हो जाता है। तो यस, यही फीचर्स हैं और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, चीपेस्ट है, कम पैसे में बहुत ही अच्छा ये मतलब अपने को आउटकम दे। तो अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 290 रुपीज़ में मिली है, जो 300 के अंडर आता है। इसके फीचर्स बहुत ही सुपर्ब है और हमें इसके साथ मिल जाता है फ़ोन होल्डर, हमें इससे एडजस्टेबल है, हम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमें इसके साथ मिल जाता है एक स्टैंड, जो स्टैंड का कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है, उसका ग्रिप कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्प करे। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो एंड अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।